एक बार की बात है, जंगल में एक लोमड़ी और एक सारस रहते थे। दोनों जंगल में पड़ोसी होने के नाते बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। सारस स्वभाव से भोला भाला और लोमड़ी उतना ही चालाक और शैतान। जंगल के दूसरे जीव जंतुओं को परेशान करके लोमड़ी बहुत खुश होता था। ऐसे एक दिन अपने घर में बैठे बैठे लोमड़ी सोचने लगा, अरे मैंने तो जंगल के काफी सारे जीव जंतुओं को उल्लू बनाया है, पर मेरे दोस्त सारस को तो अभी तक उल्लू नहीं बनाया। वो बहुत भोला है, उसको बेवकूफ बनाने में बहुत मजा आएगा। ये सोच के लोमड़ी मन ही मन एक योजना बनाया और सारस को अपने घर दावत पे बुलाने गया। दोस्त, ओ मेरे दोस्त, ओ दोस्त, तुम आओ आओ, अंदर आओ। हाँ, बहुत दिनों के बाद कैसे हो, क्या खाओगे? बैठो बैठो, कैसे आना हुआ? और सब कुछ अच्छा चल रहा है ना? बताओ बताओ, अपने बारे में बताओ। ओ, मुझे बहुत अच्छा लगा तुम मेरे घर आए। ओ सारस, मुझे भी बोलने का मौका दो। असल में बात ये है कि कल मेरा जन्मदिन है, तुमको इनवाइट करने आया हूँ। तुम कल मेरे घर जरूर आना। तुम आओगे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा, आओगे ना दोस्त? हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम्हारा जन्मदिन है और मैं ना आऊँ? जरूर आऊँगा, और फिर बहुत सारे बातें भी तो करना है तुमसे। ठीक है, आज चलता हूँ, तुम दोपहर को आ जाना। ठीक है। ये बोल के लोमड़ी वहाँ से चला गया। अगले दिन लोमड़ी अपने घर में सारस का इंतजार करने लगा। दोस्त, मैं आ गया। ओ तुम, आओ आओ, अंदर आओ, मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। पहले खाना खा लेते हैं, खाना ठंडा हो रहा है, बाद में आराम से बैठ के बातें करेंगे। ठीक है। ओ, खुशबू तो बहुत अच्छा आ रहा है। मुझसे तो और नहीं रहा जा रहा है, चलो शुरू करते हैं। मुझे पता है सूप तुम्हें बहुत पसंद है। ओ दोस्त, तुम कितने अच्छे हो, चलो शुरू करते हैं। क्या हुआ दोस्त, पियो, अच्छा नहीं लगा? ओ ये चालाक लोमड़ी, जानबूझ के मेरे साथ ऐसा किया। इसको पता था मेरा चोंच लंबा है, मैं थाली में नहीं पी सकता, मुझे बेवकूफ बनाया। कितना बेवकूफ हूँ मैं, इसकी बातों में आ गया। दोस्त, सूप बहुत अच्छा था, तुम्हारे घर आके मुझे बहुत अच्छा लगा। कल तुम मेरे घर आना, मैं भी तुम्हारे लिए कुछ पकाना चाहता हूँ, आओगे ना? हाँ जरूर। सारस कितना बोला है, आज मैंने इसको इतना बेवकूफ बनाया है, उसके बाद भी ये मुझे इनवाइट कर रहा है। अगले दिन लोमड़ी समय पे सारस के घर पहुंच गया। दोस्त दोस्त, ओ लोमड़ी, तुम, मुझे बहुत अच्छा लगा तुम आए, आओ अंदर आओ। मुझसे और रहा नहीं जा रहा है, तुम तो जानते हो मैं खाने का कितना शौकीन हूँ। कहाँ है खाना? गर्मा गर्म सूप तैयार है, ये रहा सूप।
क्या हुआ? सूप अच्छा नहीं लगा? नहीं नहीं, बहुत अच्छा। चालक सारस मेरे ही दिखाया हुआ रास्ते से मुझे ही उल्लू बना दिया। मैंने इसको सूप प्लेट में परोसा ताकि ये पी ना सके और उल्लू बन जाए, और ये मुझे ऐसे बर्तन में सूप दिया। ये जानता था कि मैं इसमें सूप नहीं पी पाऊंगा। इससे पहले ये मुझे और बेवकूफ बनाए, मुझे यहाँ से चलना चाहिए। ओ दोस्त, मैं घर में ताला लगाना भूल गया हूँ। ओ, कोई कुछ चोरी ना कर ले। आज चलता हूँ, फिर मिलेंगे। पर सूप तो पीते जाओ। ये कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, जैसी करनी वैसी भरनी।